आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। चीन और ताइवान के बीच की तनातनी बहुत पुरानी है। 2022 जुलाई में ये और बड़ी हुई जब यूएस की एक नेता ने चीन की मर्जी के खिलाफ ताइवान का दौरा कर लिया। चीन का कहना था कि ताइवान उनका आंतरिक मामला है। हालांकि ताइवान का दावा अलग है, वो खुद को एक अलग देश ही मानता है। बात हमले तक भी आ गई। चीन ने धमकी दी कि ताइवान को इसके बुरे परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि युद्ध की सूरत में इसमें कोई शक नहीं कि चीन कोसों आगे है। इन दो देशों की कोई तुलना नहीं। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी बात सामने आई कि चीन के अटैक का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ताइवान ने एक ऐसी स्ट्रेटजी को अपनाया है जिससे चीन हमला करने से पहले 4 बार सोचेगा। इस स्ट्रेटजी का नाम है पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी। क्या है ये पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी? आज के एपिसोड में इसी पर बात होगी। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यमन गौतम और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी से पहले जानते हैं कि पॉर्क्यूपाइन क्या है। पॉर्क्यूपाइन एक जानवर होता है जिसको हिंदी में साही भी कहा जाता है। ये यूएसए, अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान कई जगह मिलता है। अब इस जानवर की खासियत यह है कि इसे जंगल में वैसे तो शेर भी मारकर खा सकता है, लेकिन जैसे ही इस जानवर को लगता है कि मौत अब दूर नहीं तो अपने ऊपर ये स्पाइक्स यानी कि धार धार कांटे निकाल लेता है और वो चाहे तो इसे रिलीज भी कर सकता है। अब शेर चाहे तो इसे खा सकता है, लेकिन इन दी एंड उसकी दर्द से मौत होने के बहुत चांसेस है। तो ये तो बात हुई पॉर्क्यूपाइन की। अब ये एक डिफेंस स्ट्रेटजी कैसे है इस पर बात करते हैं। तो 2008 में ये स्ट्रेटजी यूएस के नेवल फोर्सेस के प्रोफेसर विलियम एस मुरे ने बताई थी। मुरे के अकॉर्डिंग ये स्ट्रेटजी एक कमजोर देश उठाता है जब उसके सामने बहुत ज़्यादा शक्तिशाली देश हो, जिसके पास वॉर इक्विपमेंट्स उससे ज़्यादा हैं और स्ट्रेटजी ज़्यादा हैं, आर्मी फोर्सेस ज़्यादा हैं। तो ऐसे में जो कमज़ोर देश है वो इसको अपनाता है। लेकिन हर देश की ज्योग्राफिकल लोकेशन और यूज़ ऑफ वॉर इक्विपमेंट्स अलग होते हैं। ऐसे में इसी स्ट्रेटजी को अपने वर्जन में कन्वर्ट कर 2017 में ली सी मिंग ने ओवरऑल डिफेंस कॉन्सेप्ट शॉर्ट फॉर्म में ODC निकाला। क्या है ये अपडेटेड पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी, इसी के बारे में बताते हुए आज तक .in में डिफेंस की खबरें कवर करने वाले रिचिक मिश्रा बताते हैं। पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी का मतलब ये हो गया कि आप अपने चारों तरफ इस तरह की सुरक्षा प्रणाली विकसित कर लें कि एक सीमा के बाद अगर कोई आए, दुश्मन आता है तो उस नुकसान हो बढ़िया। समंदर में आ रहा है तो आपने नीचे लैंड माइंस लगा दिया है, ओशन माइंस लगा देते हैं। जमीन पे आ रहा है तो आपके पास टेरेन ऐसा है, जैसे चाइना और ताइवान की जो हम बात कर रहे हैं उसमें ताइवान का टेरेन ऐसा है कि नॉर्थ से साउथ तक कुछ 350 किलोमीटर का डिस्टेंस लेंथ है। और ये पूरा डिस्टेंस जो है ना, ये ऊंची नीची पहाड़ियों, पहाड़ों, जंगल, घने जंगलों से और घाटियों से भरा पड़ा है। तो उनके पास गोरिल्ला वॉर करने का पूरा वो है, जंगल में छिपा के वो कोई भी हथियार रख सकते हैं। प्लस ये ताइवान के चारों तरफ छोटे छोटे आइलेट्स हैं, छोटे द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, वो झाड़ियों से और जंगलों से भरे पड़े हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपने आर्टिलरी सिस्टम या एंटी मिसाइल सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम वो वहाँ पे प्लांट कर सकते हैं, वहाँ से खुद का बचाव कर सकते हैं। प्लस दुश्मन के आने की इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाती है तो सेफ्टी के भी चांसेस हैं। अब ये एक तरीके का कवर है, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता था महाभारत में एक कैरेक्टर है कर्ण का, तो उनके पास बचपन से ही कवच और कुंडल है जो उनके शरीर का बचाव कर रहा है। तो ये एक तरीके के, ये समझ लें कि कवच है जिसने आपको कवर करके रखा हुआ है। ताइवान और चाइना के बीच 161 किलोमीटर का फासला है। अगर हाल ही की बात करें तो चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द हवाई फायर करना शुरू कर दिया है। चीन अगर हमला करता है तो उसे ODC के चलते अपने कई सैनिक खोने पड़ सकते हैं और इर्द गिर्द के दुश्मन देश इसका फायदा भी उठा सकते हैं। ऐसे में वो अपनी सरजमी बचाना चाहेगा या फिर ताइवान को हड़पना चाहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, ताइवान की अपडेटेड पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी या ओवरऑल डिफेंस कॉन्सेप्ट है बड़ा स्ट्रॉन्ग। उम्मीद करता हूँ कि जितना ये स्ट्रॉन्ग है उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक पर आपको लगा होगा। अगर कोई और टॉपिक हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हैं या शो से रिलेटेड कोई सुझाव या शिकायत हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं
हमारी मेल आईडी है radio@aajtak.com। आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953323303। मेरा नाम है आर्यमन गौतम। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।